सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे श्रोते जी आया जी। हुणे हुणे पंजाब सरकार ने 8.5 लाख लोगों के परिवारों ने करता वड्डा ऐलान। ताज़ा वड्डी खबर खबर में शुरू करने तो पहला जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैन तो वीडियो वो तो वाला लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने किसान ते उन्हां दे परिवारां लई वड्डा फैसला है। साल 2021-22 लई 8.5 लाख किसान परिवारां नूं आयुष्मान भारत बीमा योजना नाल जोड़न दा फैसला किया। जे फार्म ते गन्ना तोलण वाली पर्ची वाले सारे किसान इस सेहत योजना लई अर्जी दे सकणगे। सरकार ने अर्जियां लई विशेष पोर्टल शुरू किया है। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने सरकार के इस फैसले बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सारे किसानों के पूरे बीमे की रकम भुगतान मंडी बोर्ड वालों किया जाएगा। किसान 5 लाख रुपए तक का नकद इलाज करवा सकेगा। यह सारे किसान उन्होंने परिवार के 20 अगस्त 2021 के तहत सेहत सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। चेयरमैन लाल सिंह ने दसा है कि इस 7.91 लाख किसान मंडी बोर्ड को जेब फार्म रजिस्टर्ड हैं, जबकि 55,000 गन्ना उत्पादन है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल सरबत सेहत बीमा योजना अधीन रजिस्ट्रेशन होए 5.01 लाख किसानों के पोर्टल से दोबारा अर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहला दस्तावेज आधार से अगले साल लिए सेहत सहूलतावान का लाभ मिलेगा। जो कि लगभग 3.5 लाख किसान तक गन्ना उत्पादन जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 तो बाद जे किसान फार्म गन्ने के तौल परची वजो रजिस्टर किया।